हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से लेमन ग्रास का ये पेड़ है। लेमन ग्रास का पेड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी चाय बनाई जाती है। इसके अलग अलग तरीके से चाय बनाई जाती है, चाय में उपयोग किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। इससे तेल भी बनाए जाते हैं और तेल को अलग अलग तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आप कोरोना जैसी बड़ी महामारी से बचना चाहते हैं तो इसकी चाय का सेवन रोज करें। ये इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा देता है और आपको रोग से लड़ने की ताकत देता है। इस लेमन ग्रास के अनेकों फायदे हैं। आप जब इसे चाय के साथ, अगर चाय जिस तरीके से बनाया जाता है, आप इसके पत्ते की अगर चाय बनाते हैं तो उस चाय के भी अनेकों फायदे हैं। और इस पत्ते का जो आप देखते हैं कि इस पत्ते का तेल बनता है, तो तेल के भी अनेकों फायदे हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस तेल की क्या फायदे हैं और चाय के कितने फायदे हैं, दोनों इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं कितने चौड़े होते हैं ये लेमन ग्रास के पेड़ जो होते हैं। ये घास बोलते हैं, लेमन ग्रास के का जो घास होता है, लेमन ग्रास जिसको बोला जाता है। तो ये अलग तरह का एक घास है, घास का पौधा जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों, अगर लेमन ग्रास के फायदे की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। और अगर पेट के लिए बात करें, पेट के लिए ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, इसकी चाय बनाई जाती है। ये जो पत्ते हैं, इस पत्ते को हम इस तरीके से तोड़ते हैं और तोड़कर चाय बनाते हैं। जिस तरीके से साबुन को आप लगाते हैं, साबुन में जो फ्लेवर आता है, आप देखते होंगे कि नींबू जैसा फ्लेवर आता है, ये लेमन ग्रास की वजह से ही आता है। दोस्तों, किडनी से रिलेटेड बीमारियों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक साबित होता है। दोस्तों, कैंसर जैसे रोगों के लिए लेमन ग्रास बहुत ही कारगर है। इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं और लेमन ग्रास का प्रयोग फ्लेवर के लिए अनेक चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो ये इसे अगर आप सूंघेंगे, यानी कि इसमें जो स्मेल होते हैं जो लेमन के जैसे होते हैं, और ये इसे चाय के रूप में भी पिया जाता है। और चाय के रूप में पीने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम लेमन जैसा ही लगेगा। तो ये बहुत ही उपयोगी पेड़ है और इसे पीने से फायदे भी होते हैं, बहुत सारे फायदे। दोस्तों, लेमन ग्रास वजन को कम करने में भी मदद करता है। इसकी चाय पीने से वजन कम होते हैं। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसे भी बढ़ाता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप में नींद न आने की समस्या है तो लेमन ग्रास का तेल आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, लेमन ग्रास का ये घास इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई और इसकी जड़ें और गहराई तक जाती हैं और पत्ते लंबे लंबे होते हैं। ये हरियाली से भरे होते हैं और हरे हरे पत्ते देखने में भी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, गठिया जैसे रोगों के लिए भी ये बड़ा ही कारगर है। और डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में भी ये फायदा करता है। अस्थमा जैसे रोगों के लिए ये एक औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों, अगर हम इन पत्तों की बात करें तो इसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं और इसके पत्ते को टुकड़ों में काटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसकी चाय बनाई जाती है। और चाय का जो कलर होता है वो चाय के जैसा ही होता है, जैसा कि आप चाय पीते हैं उसी तरह का कलर इसका निकल कर आता है। दोस्तों, लेमन ग्रास स्ट्रेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह स्ट्रेस को कम करता है और मधुमेह जैसे रोग, यानी डायबिटीज जैसे रोगों को उसे भी निजात दिलाता है। मुहासों के लिए ये बहुत ही कारगर है और इसके साथ साथ अनेक रोगों से भी ये शरीर को बचाता है। तो दोस्तों, ये लेमन ग्रास आप रेगुलर यूज कर सकते हैं और इसके अनेकों तरह के फायदों के बारे में, इसमें कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पौष्टिक तत्व जो होते हैं, ये देखिए,
ये पौष्टिक तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं। और मिनरल्स की बात करें तो ये मिनरल्स की लिस्ट है, इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और विटामिन्स देख सकते हैं, ये विटामिन इन पत्तों में पाए जाते हैं। तो आज ही आप लेमन ग्रास का यूज करें और अपने बॉडी को एंटीबॉडी बनाएं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बॉडी बनाएं। तो ये जो ये बहुत ही फायदे का चीज़ है और ये अक्सर बहुत सारे रोगों में और कह सकते हैं इसकी औषधियों में उपयोग किया जाता है। और जहाँ तक आप देखते हैं कि जो आप साबुन यूज करते हैं, साबुन में ये इसकी फ्लेवर डाली जाती है और इसके फ्लेवर से बहुत सारी चीज़ें हैं कि उपयोग में लाए जाते हैं साबुन वगैरह में और अलग अलग चीज़ों में इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यही है इसके पत्ते, और इसके पत्ते आप तोड़ करके आप सूंघें, इसकी स्मेलिंग जो होती है नींबू जैसे ही होती है। दोस्तों, अगर आप लेमन ग्रास की चाय बनाने की विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं। और अलग अलग पेड़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, अगर आप अच्छी अच्छी रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राज रेसिपीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो इंटेलेक्चुअल राज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिल्म और एंटरटेनमेंट के लिए द सिंघानिया फिल्म्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।